फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दैट इज सी ई वर्ल्ड। और आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग दैट इज द पार्ट ऑफ द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो फाउंडेशन होता क्या है? जो फाउंडेशन वो स्ट्रक्चर का एक पार्ट है जो कि बिल्डिंग या फिर कोई भी सुपर स्ट्रक्चर का सारे लोड को हमारा सॉइल को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच द लोड फ्रॉम बिल्डिंग और सुपर स्ट्रक्चर इज ट्रांसफर टू द सॉइल। ठीक है, और कैसे ट्रांसफ़र करता है? सारे लोड डायरेक्टली तो ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो वो कैसे ट्रांसफ़र करता है? देखो, सारा जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है, फर्स्ट देखो जो बिल्डिंग का अगर लेते हैं हम लोग, बिल्डिंग का पहले स्लैब से ट्रांसफ़र होता है वो बीम को, सारा लोड, फिर बीम से ट्रांसफ़र होता है कॉलम को, फिर कॉलम से ट्रांसफ़र होता है फाउंडेशन को, और फाउंडेशन से फिर वो सॉइल को ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस से सारा लोड हमारा ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट देखिए, फुटिंग क्या है? फाउंडेशन जो वो स्ट्रक्चर जो पूरा ग्राउंड लेवल के नीचे जो बनता है उसको बोलते हैं, टोटल स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाउंडेशन। बट फुटिंग क्या होता है? फुटिंग दैट इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन। जो फाउंडेशन का लोएस्ट पार्ट बनता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फुटिंग। जैसे कि हमारा सपोज ये एक कॉलम हो गया, देखिए ये एक कॉलम बनेगा, तो ये कॉलम को सपोर्ट कर देने के लिए नीचे से हम लोग ऐसे एक फाउंडेशन बनाते हैं। ये पार्ट को, ये जो एक सेपरेट पार्ट बनता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फुटिंग। ठीक है, ये फुटिंग हमारा कोई भी शेप हो सकता है, जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप, ट्रापीजोडियल शेप, सर्कुलर शेप, या फिर स्क्वायर शेप, कोई भी शेप हो सकता है ये जो फुटिंग हमारा। ठीक है, और हमारा ऐसे ही सारा फुटिंग को लेकर, और अगर हम लोग बीम चाहिए बीच में प्रोवाइड करने के लिए, ये सारा पार्ट को मिला के ये इसको बोलते हैं फाउंडेशन। एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग फुटिंग। ठीक है, और इसका जो एरिया है ना, फुटिंग का एरिया अगर हम लोग ज़्यादा बड़ा करेंगे तो जो सॉइल को ट्रांसफ़र होता है लोड, वो बहुत ही कम लोड ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि एरिया अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ज़्यादा एरिया में, तो फिर लोड जो जाएगा सॉइल को वो कम हो जाएगा। और अगर आपका बियरिंग कैपेसिटी सॉइल का कम है तो वहाँ पर हम, इसलिए हम लोग ये जो फुटिंग प्रोवाइड करते हैं इसका एरिया को ज़्यादा बढ़ा के प्रोवाइड करते हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फेलियर ऑफ फाउंडेशन। एक आपका एक फाउंडेशन फेल होता है कौन सी कंडीशन में? तो वो होता है हमारा दो कंडीशन में फेलियर होता है, एक तो होता है शियर फेलियर इन सॉइल, नेक्स्ट होता है सेटलमेंट फेलियर। तो शियर फेलियर क्या होता है? अगर आपका, देखिए ये शियर फेलियर क्या होता है, शियर फेलियर अगर आपका सॉइल में ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा तो एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद आपका सॉइल और लोड नहीं ले सकता है, तब वो फेल हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं उसका शियर फेलियर। और एक कंडीशन है, जैसे कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो हमारा कॉलम है, कॉलम या फिर फाउंडेशन के नीचे वाला जो सॉइल और उसके पास का जो सॉइल, दोनों के बीच में कोई अगर कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, दोनों बिछड़ जाएंगे, तो फिर हमारा जो फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल है वो गिर जाएगा, तो फिर वो भी एक टाइप का शियर फेलियर होगा। नेक्स्ट होगा हमारा सेटलमेंट फेलियर। सेटलमेंट फेलियर जनरली हमारा लो बियरिंग कैपेसिटी सॉइल में दिखने के लिए मिलता है। अगर हमारा एक कलम यहाँ पे, देखिए एक कलम यहाँ पे है और एक कलम यहाँ पे है, तो फिर यहाँ का जो सॉइल है ये अगर ज़्यादा जल्दी से दब गया तो ये फाउंडेशन नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा अगर तो ये देखिए यहाँ पे ये एक लेवल हो जाएगा और दूसरा लेवल यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर ऊपर का जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग है, तो फिर वो बिल्डिंग के सारे पार्ट में ऐसे ऐसे क्रैक आ जाएगा, और अगर क्रैक आ जाए तो कुछ ही दिन के बाद वो बिल्डिंग आपका गिर जाएगा और फेलोर हो जाएगा। इसलिए ये दो फेलोर जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, एक सियर फेलोर और दूसरा है हमारा सेटलमेंट फेलोर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, कौन सी फाउंडेशन का टाइप होता है। तो ये दो टाइप का होता है, एक तो सैलो फाउंडेशन और एक दूसरा है डीप फाउंडेशन। देखिए तो सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन क्या होता है? ये सैलो एंड डीप फाउंडेशन, इसको दो साइंटिस्ट ने डिराइव किया है। तो फर्स्ट वन इज टेरजागी। अकॉर्डिंग टू टेरजागी, सैलो फाउंडेशन इज इफ बी एफ बाई बी इज लेस देन इक्वल्स टू वन होगा तो वो होगा हमारा सैलो फाउंडेशन, और डी एफ बाई बी इज ग्रेटर देन वन एंड दैट विल बी डीप फाउंडेशन। और दूसरे साइंटिस्ट है हमारा स्किम्पटन, और अकॉर्डिंग टू हिम डी एफ बाई बी इज लेस देन इक्वल्स टू 2.5 देन दिस इज सैलो फाउंडेशन, और डी एफ बाई बी इज ग्रेटर देन 2.5 देन दैट विल बी डीप फाउंडेशन। और इसका सैलो फाउंडेशन का कौन सा एग्जांपल क्या है? स्प्रेड फुटिंग, कंटिन्यूस फुटिंग, रैप्ड फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन, ये सारा आता है हमारा सैलो फाउंडेशन में। और डीप फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन, पायर फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, कैशियन फाउंडेशन, ये सारा होता है हमारा डीप फाउंडेशन में। ठीक है, और सैलो फाउंडेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द लोड इज ओनली रेजिस्टेड बाय बेस रेजिस्टेंस। मीन्स यहाँ पे अगर मैंने एक फाउंडेशन लिया तो ये जो लोड, ये कॉलम है इसके ऊपर,
कलम से जो लोड आता है और ये हमारा ये फाउंडेशन में स्प्रेड होता है और फाउंडेशन से सॉइल को जाता है, ठीक है। तो ये जो लोड हमारा रेजिस्ट होता है सॉइल से, तो वो कैसे रेजिस्ट होता है, बाय द फुल्ली बेस के वजह से हमारा ये जो लोड हमारा ट्रांसफ़र होता है ना वो रेजिस्ट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे डीप फाउंडेशन में क्या होता है, तो लोड इज रेजिस्टेड बाय बेस और साइड रेजिस्टेंस। यहाँ पे कैसे, बेस में भी होता है और साइड में भी रेजिस्टेंस होता है। कैसे कि ये देखिए, ये अगर मैंने पाइल फाउंडेशन लिया तो इसका जो बेस का जो सॉइल है ये रेजिस्ट करता है लोड को, और इसके साइड में जो सॉइल है ये भी रेजिस्ट करता है लोड को। तो ये हमारा डीप फाउंडेशन में ये इंपॉर्टेंट है कि लोड इज रेजिस्टेड बाय बेस और साइट रेजिस्टेंस, बट इन सैलो फाउंडेशन लोड इज रेजिस्टेड बाय ओनली बेस रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो सॉइल है सिर्फ वही रेजिस्ट करता है लोड को, बट डीप फाउंडेशन में यहाँ का सॉइल भी रेजिस्ट करता है और साइट का भी सॉइल रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ फुटिंग। इसमें फर्स्ट आता है हमारा रैप्ड फुटिंग। तो रैप्ड फुटिंग किसको बोलेंगे और कहाँ पे यूज करेंगे इसको, देखिए सपोज मुझे एक मेरा एक प्लॉट है, इसके ऊपर मुझे बनाना है मेरा हाई राइज बिल्डिंग जिसको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर। तो हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए बनाने से ज़्यादा लोड आ जाएगा सॉइल के ऊपर, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए ज़्यादा हमारा कॉलम बनेगा और ज़्यादा फाउंडेशन बनेगा, तो ज़्यादा फुटिंग भी बनेगा। तो ये देखिए सपोज मैंने इसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक कॉलम लिया, ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम है सपोज, और ये हमारा फुटिंग है, यहाँ पे एक फुटिंग है, इधर एक फुटिंग, यहाँ पे फुटिंग, ऐसे मैंने यहाँ पे जो दिखाया है ये सारा मेरा फुटिंग्स का एरिया है दिखाया मैंने। तो मैंने देखा कि टोटल एरिया जितना है और ये जो एरिया मेरा फुटिंग का एरिया निकल रहा है यहाँ से, तो सारा मिलके ये टोटल एरिया से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40% हो रहा है उसका टोटल एरिया का। ये जो एरिया है सपोज ये A1 A2 A3, तो ये सारा एरिया मिलके दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट, ठीक है, 40% या फिर 50% ऐसा लेते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40% या 50% ऑफ टोटल एरिया, देन उसी कंडीशन में हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा रैप्ड फाउंडेशन। और वो कैसे बनता है रैप्ड फाउंडेशन, ये इंडिविजुअली एक एक फुटिंग बनाने से ये ना बनाते हुए हम लोग क्या करते हैं, पूरा ये जो एरिया का खुदाई कर लेते हैं और पूरा एरिया को कंक्रीटिंग कर लेते हैं। तो ये जो पूरा एरिया कंक्रीटिंग बन गया ना, फिर उसके ऊपर हम लोग कॉलम उठाते हैं, तो ये वाला जो फाउंडेशन बन गया, ठीक है, इसको बोलते हैं रैप्ड फाउंडेशन। नेक्स्ट देखिए आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग क्या है, ये देखिए ये मेरा एक प्लॉट है और यहाँ पे मैंने जो बिल्डिंग बनाई है इसके लिए, इसके ऊपर यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा और इधर एक कॉलम बनाना पड़ेगा, और बाकी ऐसे भी है, बट मैं बोल रही हूँ ये कॉलम के बारे में और इधर एक कॉलम के बारे में। ये जो कॉलम है उसके लिए मुझे ये फुटिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है, और इधर एक कॉलम है इसके लिए मुझे ये एक फुटिंग बनाना पड़ेगा। ये फुटिंग के ऊपर सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है और साइड में और दूसरा कॉलम नहीं है, और इसके साइड इसके ऊपर भी एक ही कॉलम है, इसलिए मुझे ये कॉलम के लिए सिर्फ एक ही फाउंडेशन बनाना पड़ रहा है, फुटिंग बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या, आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है। और ये जो आइसोलेटेड फुटिंग का शेप वो डिपेंड करता है कॉलम के शेप के ऊपर, अगर कॉलम का शेप रेक्टेंगुलर है तो इसका फाउंडेशन का या फिर फुटिंग का शेप भी रेक्टेंगुलर बनेगा, अगर इसका शेप सर्कुलर है तो फिर इसका भी शेप सर्कुलर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग कब बनाएंगे, देखिए ये मेरा एक प्लॉट है और मुझे ये प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे ऐसे कैलकुलेशन में आ रहा है कि मुझे ये कॉलम मेरा इधर आ रहा है, एक कॉलम पूरा साइड पे ही आ रहा है, प्लॉट के साइड में आ रहा है, ठीक है, और एक इधर आ रहा है उसके साइड में आ रहा है एक कॉलम। तो ये कॉलम के लिए जो फुटिंग बनेगा मेरा, तो उसका एरिया इतना आ रहा है और ये कॉलम के लिए इसका एरिया इतना आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, फुटिंग का एरिया ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया को एक ही फुटिंग बना देंगे, वो आइदर में भी रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है या फिर ट्रेपेजोइडल शेप हो सकता है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर शेप कब होगा, अगर ये कॉलम के ऊपर जितना लोड आ रहा है उतना ही ये कॉलम के ऊपर लोड आ रहा होगा, तो फिर ये जो हमारा यहाँ पे फुटिंग बनेगा वो रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा। सपोज इसके ऊपर P1 लोड आ रहा है और इसके ऊपर P2 लोड आ रहा है, अगर P1 इक्वल्स टू P2 होगा तो फिर हमारा ये जो फुटिंग बनेगा ये रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा। और अगर सेम लोड नहीं आ रहा होगा, सपोज यहाँ पे देखिए ये P1 है और ये P2 कॉलम है, ये
ये कॉलम के ऊपर P2 लोड आ रहा है और ये कॉलम के ऊपर P1 लोड आ रहा है, और P1 लोड जो है वो ग्रेटर देन P2 है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग नहीं बनेगा, बल्कि ऐसा होगा कि ये साइड जो आपका जो कॉलम का लोड ज़्यादा आ रहा होगा उसी साइड में आपका ये साइड ज़्यादा बनेगा और दूसरा साइड कम बनेगा, तो फिर आपका ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे बन जाएगा और ये ट्रेपेजोइडल सेक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग किसको बोलेंगे, अगर आपने एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा आपको जिसका लेंथ होगा ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन विड्थ, देन दैट विल बी योर स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग किसको बोलेंगे, ये एक कॉलम का लोड को हम लोग अगर स्प्रेड करके ही सॉइल को ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक ये एक फुटिंग है और इसका जो लोड आ रहा है नीचे इसको और भी ग्रेटर एरिया में स्प्रेड हो रहा है, और इससे लोड जो आ रहा है इसे और भी ग्रेटर एरिया में स्प्रेड हो रहा है, तो इस ये वाले फुटिंग को बोलेंगे स्प्रेड फुटिंग। नेक्स्ट है स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग जनरली ये हिली एरिया में यूज होता है। ये देखिए यहाँ पे एक सपोज एक फाउंडेशन है फुटिंग है और इधर एक फुटिंग है जिसका लेवल सेम नहीं है, क्योंकि ये हिली रीजन है तो हिली रीजन में अंडुलेशन ग्राउंड होता है, तो ये लेवल इसका सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोनों फुटिंग के बीच में एक बीम प्रोवाइड कर देते हैं, तो जिसको बोलते हैं टाई बीम। तो क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हमारा इसका सेटलमेंट थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया यहाँ से तो ये जो टाई बीम इसको पकड़ के रखेगा, तो ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो सेटलमेंट जो होगा वो ज़्यादा नहीं होगा और हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, इसलिए और ये फुटिंग को बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग।